मुल्क की हुकूमत को समझना जरूरी है और हम सबके लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे एक बड़ी आबादी जो अपने देश और अपनी बेहतरी के सपने देखती है उसको कैसे कुछ आतंकी और पाकिस्तान परस्त पिट्ठू बारूद और खौफ से चला रहे हैं। उनको ये बोला जाता है कि जिस ओर हम जा रहे हैं वो सही है, आप पत्थर मारो, ये देश के लिए है, कश्मीर के लिए है, आपको ऐसा मिलेगा, ये जिहाद है। हुर्रियत का सवाल है कि वो वहाँ पे हर किसी को इसके लिए भड़का रहे हैं, मगर खुद तो कभी इस पे रोड पे नहीं निकले, कभी वो नहीं आए कि पत्थर मारेंगे हम भी। एक दिन मैं न्यूज़ रूम में बैठ के अपना काम कर रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी, मैंने उठाया और उधर से एक आवाज़ आई कि वो कश्मीर से बोल रहा है और एक कश्मीरी नौजवान है। गोलियाँ चलती है तो वो पूछ के तो नहीं आती ना, मैं हिंदुस्तान से चली हूँ या पाकिस्तान से चली हूँ, मरता तो कश्मीरी है बीच में। कश्मीरी लड़कों को ड्रग्स देकर नशे में पत्थर फेंकवाए जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि स्टूडेंट्स ही अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बहला रहे हैं, बरगला रहे हैं और ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पत्थरबाजी में इन्वॉल्व कौन होते हैं, इसके मतलब एविडेंसेस है हमारे पास। ज़्यादातर जो ड्रग एडिक्ट होते हैं तो वो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उनका ये होता है कि अगर आप उनको 100 रुपये देते हो, ठीक है, 100 रुपये आपने उनको दे दिया तो उसका दिन का ड्रग का जो भी इंजेक्शन वगैरह है वो उससे निकल जाता है।